स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी में चैप्टर 3 स्टडी करना स्टार्ट किया था और आज हम उसी चैप्टर का आगे का पैराग्राफ स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन चैप्टर 3। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली बार यहाँ तक स्टडी कर लिया था, पेज नंबर 18। ओके, और आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तोबक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोन वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। क्या हुआ, जब तोबक उस समुद्र में चला गया था तो वहाँ उसने ये सब चीज़ें देखे थे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था और एक और क्या था, 8 हाथों वाला जो है ऑक्टोपस भी चला आ रहा था उसकी ओर। तोबक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। क्या बोला कि समुद्र तो है अचरजों से भरा पड़ा हुआ, मतलब समुद्र जो है पूरा भरा हुआ है ये सब जीवों से। टीबर उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिनकी आँखों से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। क्या हुआ था, जो टीबर था और एक था ना, वो उसे ऐसी मछली दिखाने के लिए ले गया था जिसकी आँखों से तेज रोशनी निकल रही थी। तोबक खुशी से झूम उठा और तोबक क्या हुआ, खुश हो गया पूरा। टीबर ने बताया, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती है जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। उन्होंने क्या बताया कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती है जिससे क्या, बिजली के झटके लगती हैं। आप लोग बिजली के झटके के बारे में तो जानते ही हैं, करंट जिसको कहते हैं। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है और कुछ कुछ मछलियों की जो है बनावट जो होती है वो थोड़ा सांप जैसी भी होती है और घोड़े जैसी भी होती है। तोबक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है। किस तोबक ने पूछा, क्या पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं, मतलब समुद्र का पानी जो है थोड़ा खारा होता है नमकीन टाइप से। तो बोलने लगे कि हर ये जो पौधे हैं वो भी क्या नमकीन होते हैं। तो टीबर बोला, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है परंतु पौधे नमकीन नहीं होते। क्या क्या, नमक की वजह से पानी जो है थोड़ा खारा होता है लेकिन पेड़ पौधे हैं वो नमकीन नहीं होते हैं। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जाता है। क्या कहा उसने कि समुद्र के एक पौधे से चीनी से भी ज़्यादा मीठा जो है एक पदार्थ बनाया जाता है। अच्छा, आश्चर्य से तोबक ने कहा, तो तोबक ने क्या कहा कि ठीक है, अच्छा, यहाँ के प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, रंगीन मछलियों और सुंदर सुंदर पौधों को देख कर जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ। तोबक ने कहने लगा कि यहाँ के जो है इतने सारे जीव जो है और इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे को देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसी समुद्र में रह जाऊँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसने पूछने लगा किससे, टीबर से। टीबर बोला, जरूर तुम खुशी से यहाँ रहो। तोबक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा और क्या हुआ, टीबर ने उसे रहने की अनुमति दे दी और जो तोबक था वो समुद्र में ही रहने लगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तो आप लोगों को समझ में आ गया है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर का वर्तनी और शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आप लोग घर में इसे फिर से स्टडी कीजिएगा।